सोनभद्र जिले में संदिग्ध कोरोना वायरस से पीड़ित एक ही परिवार के चार लोगों के मिलने से सनसनी फैल गई है। घर के मुखिया ने खुद स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर पर फोन कर अपनी व परिवार के सदस्यों की स्थिति बताई तो महकमे में खलबली मच गई। सीएमओ के नेतृत्व में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चारों लोगों के सैंपल एकत्रित कर उसे जांच के लिए BHU भेज दिया है। उन्हें रेणु सागर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। रेणु सागर पावर प्लांट में बतौर कर्मचारी रविशंकर शर्मा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बीते दिनों घूमने के लिए नेपाल गए थे। रविशंकर के अलावा उनकी पत्नी, पुत्र व बहू 2 मार्च को नेपाल से रेणु सागर पहुंचे। वहां से लौटने के बाद सभी को खांसी जुकाम की शिकायत बढ़ने लगी। रविशंकर की सांस भी फूलने लगी। उन्होंने रविवार को स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर पर फोन कर बिगड़े स्वास्थ्य के बारे में बताया। इतना जानने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शशिकांत उपाध्याय एक स्वास्थ्य टीम लेकर रेणु सागर पहुंचे। चारों रोगियों को रेणु सागर स्थित अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के बाद प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया। सैंपल को रिजर्व करने के बाद उसे BHU जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर पुष्टि होगी। रेणु सागर का एक ही परिवार बीते दिनों घूमने के लिए नेपाल गया था। यह परिवार 2 मार्च से ही वापस लौटा है। खांसी जुकाम व सांस फूलने पर उन्होंने कोरोना की संभावना व्यक्त की। रोगियों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह पुष्टि हो पाएगी कोरोना है या नहीं। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। एक रूटीन चेकअप होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर से आया है तो उसका जो है रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा, यदि उसके अंदर कोई लक्षण होता है तो उसकी जांच कराई जाती है। लक्षण नहीं है तो अपने घर में आइसोलेट किया जाता है। तो ऐसे ही है। कितने लोग थे? मतलब सर 4 लोग हैं। उस सर ने बताया ना कि सैंपल जो है उनका भेजा गया है, बस एक ही परिवार के। अभी कहाँ रखा गया सर? तो कहाँ से आए थे सर? ये रेणु सागर में सर्विस करते हैं और नेपाल की यात्रा करके आए थे। अभी इनको कहाँ रखा गया था? वही रेणु सागर के हॉस्पिटल में एक कमरा में जो है आइसोलेट करके रखा था। 14 दिन तक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.